हेलो हेलो काजल, आज काजल जल्दी भी आ गई और काजल अकेले भी आ गई आज। अच्छा, आ रही है क्योंकि उनके एग्जाम ये वो कुछ चीजें कर रहे होंगे। अब क्या बता, कुछ प्रिलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, या तो फिर मूड नहीं बन रहा होगा, ये भी हो सकता है, या तो चीजें समझ नहीं आ रही होगी, ये भी हो सकता है। हाँ, यही तो, ये तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि मतलब टाइम तो ऑलमोस्ट सभी के पास सेम है, बट वो हर कोई प्लान नहीं कर पाता टाइम का यूज कैसे करना। और मानवेंद्र तो खैर है नहीं, अदरवाइज मानवेंद्र को बोला होता हमने। आकाश भी नहीं है, कोमल है। गुड मॉर्निंग कोमल। आवाज कभी कभी इशू होता है वैसे। हाँ, कल के पीपीटीज मिले थे, कल क्या किया था हमने पॉइंट? कल तो ये किया था ना, सेंड नहीं किया, बट वॉन थ्यूनेन मॉडल। गुड मॉर्निंग नमिता। कौन सी?
लिंक से लेके अपलोड हो चुकी होगी अभी तक? नहीं हुई? कौन से कौन से? वॉन ट्यून इन, ये पहले भेजे थे मैंने। हाँ तो यस बिल्कुल, ये भी लिख लिया तो आई गेस ये भी ठीक है। ये कंटेंट सेम ही रहेगा जो पीपीटी में, और इसमें इसमें थोड़ा सा और इलाबोरेटेड कंटेंट है स्ट्रक्चर्ड मैनर में, तो ये कर सकते हो वो कर सकते हो। तो ये कब भेजा था मैंने? पिछले बैच में। अच्छा सॉरी। चलो ठीक है, सो गो थ्रू दी थ्योरी अगेन, दैट वॉन थ्यूनियन वाला केस, एंड एक्सप्लेन कर देना फिर मुझे आफ्टर गोइंग थ्रू दैट कंटेंट।
दिया तो था, कल तो बताया था इकोनॉमिक रेंट। कल ही तो इकोनॉमिक रेंट डिस्कस किया था हमने, एडम स्मिथ वाली जो कंसेप्ट थी, इट वाज यूज्ड बाय वॉन थ्यूनेन इन हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन। हाँ भूल जाते हैं। इकोनॉमिक रेंट इज सिंपली कि कोई भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है तो उस एक्टिविटीज के रेट ऑफ रिटर्न्स कितने बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेट इनकम के टर्म में दिया होगा ना, नेट इनकम। तो सिंपल है कि जो नेट इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव मेड, देन उसके साथ में जो उसमें रिटर्न्स आ रहे हैं, दैट द डिफरेंस बिटवीन देम इज व्हाट द नेट इनकम, दैट इज इकोनॉमिक रेंट। के जो जनरली आप अगर कोई फ्लैट रेंट से दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे आपने उसमें जो इन्वेस्टमेंट की है, मेंटेनेंस कर रहे हो, ठीक है, और वहां से मिल कितना रहा है, उसका जो माइनस होके जितना अमाउंट एक्चुअल में बचेगा, दैट इज व्हाट इकोनॉमिक रेंट इन इटसेल्फ। अब क्रॉप रेंट इसी से कनेक्टेड है ना, मतलब क्या कि इफ यू हैव मेड 10,000 फॉर एग्जाम्पल फॉर वन पर्टिकुलर क्रॉप, इस क्रॉप ने आपको दिया 15,000 इन रिटर्न्स, तो नेट इनकम या जो इकोनॉमिक रेंट कितना हो गया आपका, 5,000। दैट इज व्हाट दिस कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रेंट आस्क्स। वैसे इकोनॉमिक्स के टर्म में थोड़ी और भी कॉम्प्लेक्स होगी, बट इसका मीनिंग हाँ यस, आपको ओवरऑल कितना एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न बाय रिसोर्स। और भी अगर सिंपल सा केस में, अब एक्स्ट्रा अमाउंट मतलब क्या है, आप कुछ पहले इन्वेस्ट कर रहे हो ना उसमें, तो इन्वेस्टमेंट के बाद जो रिटर्न में जितना ज्यादा मिल रहा है वो जो हो गया वो आपका रेंट। डन। काजल डन, चलो ठीक है, देन प्लीज एक्सप्लेन अस दी वॉन थ्यूनेन्स मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन, एंड आई होप कि ऐसे ही एक्सप्लेन करोगे आप कि जिससे हम कुछ भूले ना उसमें, हमें याद रहे सारी कुछ चीजें। है हाँ लास्ट आउटपुट मिला है, और उसके बाद इसमें ना मतलब क्रॉप प्रोडक्टिविटी और लैंड यूज पैटर्न इसमें एक मेन मार्केट होता है, और उसके आसपास हिंटरलैंड होती है जो, और जो उसमें प्रोडक्शन होता है वो उसी मार्केट में किया जाता है, मतलब जो मार्केट में जो भी सामान आता है वो उसी लैंड से आता है, और जो भी मतलब उसके बाद इसमें था।
उसके बाद हाँ, जैसे इसमें ले जाने के लिए कोर्स वैगन, मतलब सिर्फ ओनली वन मीन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के हिसाब से हमें जो प्रोडक्शन है वो कर लीजिए। जैसे अगर हम जो मिल्क प्रोडक्ट है अगर उसको बेस्ड ऑन डिस्टेंस, गार्डनिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन। फर्स्ट उन्होंने मार्केट बताया, जबकि मार्केट तो सेंटर बन गया, ठीक है, बट ठीक है ठीक है। जोन वन जोन टू, हाँ हाँ ग्रेन विथ नो फैलो लैंड, फिर जब नेक्स्ट आया था यानी इसमें मॉडिफिकेशन जब होती है उसमें उसमें क्या कहता बी, मतलब पहले तो ये इसके आसपास सर्कल में था लेकिन उसके बाद क्या हो गया था बी, मतलब रिवर्स और स्मॉल टाउन्स का भी मतलब उसमें बताया था। वो उसके बाद जो हमारी प्रोडक्शन थी ना वो रिवर के हिसाब से चेंज हो गई थी। कल्टीवेशन जो इंटेंसिटी और लैंड यूज पैटर्न है इट मॉडिफाइज विद द प्रेजेंस ऑफ दिस रिवर एज ए नेविगेबल चैनल। आइसोलेटेड स्टेट, मल्टीपल मार्केट्स होंगे तो कुछ और चीजें चेंज, ठीक है। वैसे एक इसका पॉइंट और भी रहता है, ठीक है, चलो अच्छे से एक्सप्लेन किया वैसे काजल ने, इट मींस कि ये थ्योरी कुछ क्लियर है ना, क्लियर है। सारे थ्योरी ऐसे ही है, कुछ अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगी, मतलब इन अ सेंस क्या है अब क्योंकि यही है ना साइंटिस्ट का के जितनी चीजें कॉम्प्लेक्स बना के प्रेजेंट करोगे तभी तो कुछ वर्थ लगेगा क्या। तो इसकी उसकी थ्योरी पढ़नी होती है ना, यहाँ पे दिक्कत तो ये है ना। यूपीएससी अभी भी वो इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट नहीं था, यूपीएससी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, तो फिर उन ये साइंटिस्ट भी इसमें बिलीव करते होंगे शायद। देखो ये तो है वैसे, मतलब हाँ ये नहीं होना चाहिए।
ये तो प्रॉब्लम ही है ना। तो फिर इन लोगों का ये वेस्ट ऑफ टाइम है, और वो स्टेटमेंट उनके लिए सही था। देखो करना तो आई एम पर्सनली ऑफ द ओपिनियन कि हर किसी ने यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहिए। द रीजन बीइंग कि आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सारी कुछ चीजें पता चलेगी। पर द थिंग इज कि किस हद तक करना चाहिए, ये हर किसी की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब किसी को लगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में यार मैं नहीं कर सकती सच में, या प्रिपरेशन से पहले भी ऐसा लग सकता है कि नहीं होगा, नो इश्यूज विथ। ये एक ही थोड़ी ना है कि जिससे आप कुछ सोसाइटी में कुछ कर सकते हो या खुद सेल्फ मेड भी बन सकते हो। तो ये क्या है, तो ये सारी कुछ चीजें ऐसी ही होगी ना, कि ऐसे जरूरी नहीं है कि यही एक वे, ये एक आपके फाइनल गोल पे या कुछ अचीव करने का एक वे हो सकता है। जैसे सीपी को जाने के 10 रास्ते हो सकते हैं, उसमें से एक कोई रास्ता पूसा रोड वाला रास्ता है, सिंपल सा केस है। वैसे ही मतलब लाइफ के हर किसी के गोल से टारगेट पे जाने का एक वे हो सकता है यूपीएससी। ये कोई फाइनल टारगेट या डेस्टिनेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बट अब फिर हम करते क्या है ना, कि हम वो ही है कि यार अब ईगो पे ले लेंगे, या तो फिर और बहुत सारी चीजें, सोशल प्रेशर है, बहुत सारी चीजें है। तो हाँ, तो जिसमें फिर हम क्या करते हैं ना कि नहीं अब तो ये चीज करनी ही पड़ेगी, और वो फिर चीज करनी पड़ेगी तो मतलब वो बर्डन ले रहे हैं और उसके प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं बन रही। तो जो मेजोरिटी इस मार्केट में है वो इस टाइप में है। पहले तो मैं तो ये ओपिनियन का हूँ कि कोई चीज अगर आपको जितनी मिली है मतलब उसका उतना ही 100% यूज कर ले, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो भी उसमें भी अगर आपका लॉस ज्यादा हो रहा है, तब जैसे कि कोई होता है ना कि मतलब पूरे 6 अटेम्प्ट दिए और 6 अटेम्प्ट ही यूज करने हैं, 4 अटेम्प्ट दिए 4 अटेम्प्ट ही यूज करने, वो जितने भी बता रहा हूँ मैं, तो ये जरूरी नहीं है। जब तक आपको लगता है कि वो प्रोसेस आपने करनी चाहिए तब तक करना सही है। हाँ, इट मे बी फिर 10 अटेम्प्ट तक क्यों ना हो, अगर लग रही है कि होनी चाहिए तब होनी चाहिए, अदरवाइज यू शुड फाइंड योर सम डिफरेंट वे। क्योंकि हर कोई सिर्फ यूपीएससी के लिए थोड़ी ना बना है, हर कोई सिर्फ क्रिकेटर बनने के लिए थोड़ी ना बना है, वो तो बहुत ये है ना। तो ऐसा वाला केस है, बट क्या है चीज कि लोग समझ नहीं पाते, इसीलिए फिर ना। हो ही जाता है जिसने किया, बिल्कुल। तो सिंपल बात है, मतलब यार अगर आप मतलब यूपीएससी भी एक्सपेक्ट नहीं करती, दो अगर कभी यूपीएससी का नोटिफिकेशन पढ़ोगे ना, मतलब इसमें कभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट यूपीएससी वांट, उसमें दिया है कि यूपीएससी वांट सिंपली मतलब द नेचर ऑफ क्वेश्चंस इन दी मेंस एग्जामिनेशंस आर सच दैट एनी वेल एजुकेटेड कैंडिडेट कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी, ऐसा उसमें लिखा है। ये नोटिफिकेशन हम जो देखते नहीं है, तो विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी मतलब वो ये बोल रहा है कि आपने अगर ग्रेजुएशन भी अच्छे से किया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी अच्छे से किया है, तो आपको कोई और स्पेसिफिक उसको बहुत नीडेड टाइम देने की जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम है तो प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा, बट ऐसे नहीं है कि मतलब उसको 2 साल 4 साल लगे पड़े हो, 5 साल 6 साल लगे पड़े हो। यूपीएससी इवन यू नो डज नॉट एनकरेज दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी, मतलब जिस जिस उससे जितना रीड हो रहा है तो वो प्रिफर तो यही करते हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए कि इतना टाइम दे रहे हो, या इवन कोचिंग इंडस्ट्रीज को भी मेनी टाइम्स वो प्रिफर नहीं करते, क्योंकि एक वन ऑफ द रीजन है कि ये भी एक प्रमोट करते ही है ना अल्टीमेटली, मतलब इन लोगों को स्टाफ में लाने के लिए। बट फिर भी क्या है ना, वो हर किसी की अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि
वेर यू शुड नो वेर एंड वेर टू स्टार्ट एंड वेन एंड वेर टू एंड. जब अगर वो चीज नहीं समझ आएगी तो फिर ये ट्रैप में फंसते 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 पता चले फिर ये स्टेटमेंट किसी को देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि यूपीएससी इज वेस्ट ऑफ टाइम. उन्होंने भी क्यों दिया होगा. अगर मान लो इसमें सिर्फ 1,000 वैकेंसीज है, 10,000 लोग अगर एंगेज होते, 20,000 होते मान लो, या 1,00,000 होते, तो शायद उनको उतना ये ज्यादा ये नहीं होता ना. अब हुआ क्या, इससे कहीं ज्यादा लोग इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है, दोज आर वेस्टिंग रिसोर्सेस. तो फिर इसीलिए फिर ये कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आ जाता. ठीक है, बट ये है ना कि ये कर लोगे तो कुछ नया कुछ तो लाइफ का एटीट्यूड तो मिल ही जाएगा फॉर श्योर. बस इसको अच्छे से करने की जरूरत है. और ऐसे एग्जांपल काजल आपको सिर्फ वो वाले एक ही नहीं मिलेंगे, वो तो कभी बहुत सा मेजॉरिटी ऐसे एग्जाम्पल. हाँ बिल्कुल. इतना मतलब मैं उस दिन बीबीसी का ये देख रहा था, यही सिविल सर्विसेज और ये पीसीएस का क्या इश्यूज होते हैं. वो झारखंड पीसीएस का बता रहा था, झारखंड इसका उसके एग्जाम की नोटिफिकेशन निकली 2016 में, और 2024 तक का उसका अभी तक कुछ स्टेटस है नहीं इस लेवल पे. और वो जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे थे लाइक उसमें एक 36 या 37 ईयर का भी इंडिविजुअल था, फाइन, वो प्रिपेयर कर रहा है 18 से 20 ईयर से. नहीं देखो पहले तो तुमको पता है जब जब पर क्रेज ये बहुत है ना. मतलब मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, टू बी फ्रैंक, ठीक है. मतलब अब आई नो कि कैमरा पे हो, बट फिर भी कि मैंने खुद देखे ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग, ऑल इंडिया सर्विसेज बोल रहा हूँ, ठीक है, तीन ही सर्विस IAS IPS IFS, इसमें से अनसैटिस्फाइड है एंड दे आर लुकिंग फॉर कि स्टेट पीसीएस प्रिपेयर करें हम. समझ रहे हो, ये जो बोल रहे हो ना 43 इयर्स में भी कर रहे हैं, तो ऐसे 30-35 वाले लोग भी है कि जो एक से एक एग्जाम से या एक लेवल से कहीं और लेवल पे स्विच होना चाह रहे हैं. तो क्या होता है ना, देखो ये जब आपको मतलब एक ही टारगेट है आपका कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसके रीजन नहीं है क्यों चाहिए, उसके पीछे रीजनिंग नहीं है इनके, इनको क्या चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, तब ये चीज वहां तक स्ट्रेच हो जाती है. क्योंकि मतलब आई फील गवर्नमेंट जॉब इसलिए नहीं करना होता कि जस्ट ओनली इट हैज सिक्योरिटी, ठीक है, कि मतलब एक बार ज्वाइन कर लिया पता चले आपको जिंदगी भर निकालेंगे नहीं. ये सिक्योरिटी से अगर इससे इंटेंशन से जाओगे तो फिर ना इस प्रोसेस को 50 साल तक पेपर करते रहो. एंड लिटरली दे आर राइट. तो ऐसे वाले लोग क्या है ना, इनका बचा ही क्या. और जो फिर ऐसे में एंटर करेंगे, मान लो करते हैं कुछ कुछ, तो उनके लाइफ का टारगेट ही क्या बचता है, जितना ज्यादा ले सकते हैं उतना ज्यादा वो ले लेते हैं फिर, तभी तो होता है ना. क्योंकि 10-15 साल में आप सर्विस में जितना हो सकता है उतना कवर कर लो, बैकलॉग जो बचे. चलो ठीक है, बट चीजें बड़ी डिफिकल्ट है, इसीलिए यू शुड बी प्रीटी मच क्लियर कि कितना देना है टाइम, कितना नहीं देना है, और यू शुड फाइंड योर ओन वे एज वेल, है ना. वैसे खैर इसको बोलना बहुत इजी है, इसको रियल टाइम में इट्स इजियर सेड देन डन. ऐसा है कि मैं अगर बोल भी दूं कि आपको समझना चाहिए कि कब छोड़ना चाहिए कब स्टार्ट होना चाहिए, शायद मुझ पर ये चीज उतनी ईजीली होगी नहीं, है ना. कि फिर भी मैंने तो खैर वो चीज पे रख लिया है एंड, बट ये फिर भी एक होता ही है ना कहीं आपको वो कंफ्यूजन होता है फिर, यार छोड़े या ना छोड़े, या फिर हो जाएगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में. हर किसी को लगता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट यही अटेम्प्ट में होना है मेरा, ऐसा ही लगता है. गलत भी नहीं है उसमें वो सोचना, पर दिक्कत तो ये है ना कि फिर वो वाली अटेम्प्ट आता ही नहीं है, फिर वो एक अटेम्प्ट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और फिर वो साइकिल बनता जाता है. एंड यू विल फाइंड कि उसमें हम चल रहे हैं और अटेम्प्ट चलते रह रहे हैं. So
इंडस्ट्रियल, कल इंडस्ट्रीज वगैरह तो देख लिया था, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का कुछ लिखा था हमने नो? सो हैव दिस डेफिनेशन फर्स्ट, कीप द हेडिंग इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, मतलब हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं अब पेपर टू का। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी हैज बीन डिफाइंड एज, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी हैज बीन डिफाइंड एज, द स्टडी ऑफ द स्पेसेस कॉमा places and geographical circulation of industry and geographical circulation of industry it is a sub branch of इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इट इज ए सब ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड डील्स विथ डील्स विथ दी स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, डील्स विथ द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी देन इंडस्ट्री, व्हाट इज इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या होती है? अब ये तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की डेफिनेशन लिख दी हमने, ठीक है, अब सब हेडिंग डालना इंडस्ट्री। क्या हुआ, लिखिए पहले, कल इकोनॉमिक वर्ल्ड ही कहा, ठीक है, एक और डेफिनेशन उसमें ऐड कर लो, क्या लिखा था उसमें? ठीक है, चलो एक और हल्की सी, एक ही वैसी डेफिनेशन है, एक ऐड कर लेना, क्या दिक्कत है। इंडस्ट्री इज ए ग्रुप ऑफ, प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस आर ऑर्गेनाइजेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोड्यूस और सप्लाई गुड्स सर्विसेज और सोर्सेस ऑफ इनकम, और सोर्सेस ऑफ इनकम,
इंडस्ट्री मीन्स नॉट ए फैक्ट्री, इंडस्ट्री मीन्स नॉट अ फैक्ट्री. विच इज मतलब फैक्ट्री क्या होती है, ये लिख रहे हम. विच इज ए सिंपल प्रोसेसिंग प्लांट, ए सिंपल प्रोसेसिंग प्लांट प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेस, प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेस. मतलब अगर आप एचडीएफसी की कोई ब्रांच देख रहे हो तो वो फैक्ट्री है, वो इंडस्ट्री नहीं है. बैंकिंग एज ए होल इज इंडस्ट्री. सो नंबर ऑफ फैक्ट्री से मिलकर एक इंडस्ट्री बनती है. इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी डज डील्स विथ स्पेशल रिलेशनशिप. स्पेशल मीन्स स्पेस वाला, रिलेशनशिप ऑफ द इंडस्ट्री इन अ वे, इन अ वे बाय लोकेशनल फैक्टर्स, बाय लोकेशनल फैक्टर्स, स्पेस एंड रॉ मटेरियल, स्पेस एंड रॉ मटेरियल, स्पेस एंड लेबर सप्लाई, स्पेस एंड लेबर सप्लाई, स्पेस एंड ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस एंड लेबर सप्लाई, स्पेस एंड ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस एंड मार्केटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें. अब इफ यू रिमेम्बर, जब हम स्कूल डेज में थे तब किसी साइंस बुक में हमको कहीं ना कहीं कुछ ये इंडस्ट्री रिलेटेड केमिकल्स होंगे, इंडस्ट्री रिलेटेड फिनोमिनाज होंगे, कहीं कुछ मेंशन होगी ऐसी कुछ चीजें. एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कुछ ऐसे कुछ होगा ना, नहीं? स्मेल्टिंग इंडस्ट्री. अच्छा ठीक है. तो यस, देखो अब क्या है, इंडस्ट्री को स्टडी करने के ना डिफरेंट वेज एंड मींस हो सकता है. जैसे इंडस्ट्री फिजिकली जिस कुड बी स्टडीड एज इन, कि इंडस्ट्री जहां पे या ये प्लांट है या यहाँ पे जो मशीन्स यूज हो रहे हैं वहां पे कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है, सेंट्रिपिटल सेंट्रिफ्यूगल फोर्सेस कैसे हैं, एंड ऑल दोज वेज. इंडस्ट्री को केमिस्ट्री या केमिकली स्टडी करने का मींस क्या है, वहां पे कूलेंट्स क्या यूज हो रहा है, वहां पे अगेन केमिकल रिएक्शंस कौन से हो रहे हैं, वहां पे रॉ मटेरियल का केमिकल नेचर कैसे है, एंड ऑल दोस थिंग्स.
इंडस्ट्री को बायोलॉजिकल स्टडी करने का मींस क्या है? यस, कि बायोटिक एलिमेंट्स कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनमें क्या क्या फैक्टर्स है, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी और जो भी कुछ हो सकते हैं, मेडिसिनल अगर इंडस्ट्री है या कुछ है तो जहां पे यूज जो हो रहा है। एनवायरमेंट और इकोलॉजिकली कैसे है, पोल्यूट कितना कर रहा है, रिसोर्सेस कितना यूज हो रहा है एंड रिलेटेड स्टफ। देन हिस्टोरिकल, हाउ दैट इंडस्ट्री गॉट इवॉल्व विद टाइम। सेम गोज विद द एडमिनिस्ट्रेशन, कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, या एथिक्स, एथिक्स एंड एप्टीट्यूड के टर्म में कॉर्पोरेट एथिक्स है, इंडस्ट्रियल एथिक्स है, सारी कुछ चीजें जिसमें ये है, अकाउंटेंसी एंड बाकी सारी कुछ चीजें, कॉमर्स, और भी बहुत सारे वे से इंडस्ट्री हम स्टडी कर सकते हैं। बट सी इन ज्योग्राफी वी आर नॉट सपोज टू लुक इन टू ईदर ऑफ दिस केस, कि हमको इंडस्ट्री के अलाव नहीं पढ़ने, हमको इंडस्ट्री के फोर्सेस नहीं पढ़ने, हमको इंडस्ट्री का मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करना, अकाउंटेंसी, कॉमर्स, बैलेंस शीट, नो। In like as being a student of geography, what we are supposed to, के industry का space के साथ relationship कैसा है, वो हमको study करना है। Because as you know it well, geography deals with the space. The core area, the soul of geography lies on the earth surface. तो earth surface पे क्या चीजें हो रही है, see and how this industry is related with the space. ये एरिया होगा हमारा स्टडी का। आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस थिंग, के इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी मतलब क्या स्टडी करेंगे हम, कि फिर सेम स्पेस और इंडस्ट्री के वेरियस अट्रीब्यूट्स कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं, हाउ स्पेस डिफाइन द लोकेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, हाउ स्पेस डिफाइन द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, के अगर किसी भी इंडस्ट्रीज को बनाने का या किसी भी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का हिली एरियाज में शायद कोई डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी, प्लेन एरियाज में कुछ डिफरेंट होगी। सेम गोज विद कि रॉ मटेरियल कैसे मिलेंगे, वो भी स्पेस पे डिपेंड करता है। सो क्लाइमेट, वेदर, एवरीथिंग यू विल फाइंड से इज कनेक्टेड विद द स्पेस, एंड हेंस सी इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी इज दैट ब्रांच विच ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस एंड इंडस्ट्री। आई होप ये सारी कुछ चीजें क्लियर है, तो इससे ये नहीं होगा कि हम बाकी उसमें क्या पढ़ने वाले अब। ओके ना, देखो फिर इंडस्ट्री, वर्ल्ड इंडस्ट्रीज तो हमने देख ली थी, राइट, रिसोर्सेज, वर्ल्ड रिसोर्सेज देखे थे, फिर उसके बाद वर्ल्ड इंडस्ट्रीज भी हमने कवर कर ली थी। ना अब नेक्स्ट है इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्रीज। तो देखो इंडिया, अगर इंडस्ट्री की जो मॉडर्न इंडस्ट्री की डेफिनेशन है वो तो खैर कुछ और पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होती है, बट इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया एज अ सोसाइटी, इंडिया एज अ कल्चर, यू नो द वेरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड वे बैक लाइक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ समहाउ लाइक वैदिक पीरियड इटसेल्फ और लेटर वैदिक पीरियड, वहां से आपको इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट मिलेगी। ठीक है, हाँ, वो इंडस्ट्रीज वॉज लाइक मे बी ए शॉर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो सकती है, कि जहां पे क्लोदिंग्स है या हैंडमेड जो मटेरियल्स बना रहे हैं हम, क्राफ्ट वर्क्स जिसको बोलेंगे हम, ठीक है, तो ये वाला केस है, या और भी कुछ जो भी कुछ मार्केटिंग नीड्स होगी, तो उस सारे की केस के लिए यू विल फाइंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर देयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मगध और मौर्यास। फिर क्या हुआ, नए फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर स्टार्टेड टू एस्टैब्लिश। अगर अर्थशास्त्र में देखोगे तो इट हैज मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज देयर इन। देखो हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे हो रहा है इंडिया में, दो इतना हमको नीडेड नहीं, हम तो मॉडर्न का ही केस देखेंगे इन जनरल। देन आफ्टर मौर्यास, फिर गुप्तास के टाइम है, फिर सल्तनत का टाइम है, उस टाइम में भी है मुगल्स, दे प्रमोटेड इंडस्ट्री, यस, ड्यूरिंग दैट टाइम यू विल फाइंड इंडिया वॉज ए सिल्क हब, India was again having a significant paper industry, silk industry, then again cotton industry. India was so famous for the high elite and handmade cotton itself. ठीक है, simultaneously फिर agriculture produce or related industry, spices का industrial market था India. ठीक है, agriculture and then later processing. So India say till the arrival of the Europeans was like a prominent, however, in the traditional industries itself. Hand-woven industries है, cotton handmade clothes है, paper है, ये सारी कुछ चीजें handmade थी generally, कोई machine made चीजें नहीं थी before industrial revolution. So, during that time, or up to the arrival of the Europeans, India was on this front of industries, what pretty much reach.
यूरोपियंस का, जैसे वास्को दी गामा या बहुत सारे आप देखोगे कि इंडिया को सर्च करने के लिए ये लोग निकले थे, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस भी था. व्हाट हैपेंड विद द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश देन, दे लेड टू द इंटेंशनल कोलैप्स ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया. जैसे हमारी जरी जरदारी, एक बहुत फेमस मुस्लिन सिल्क, बहुत फेमस थे कि जो ये राजा महाराजा लोग जो पहनते थे, या इवन एलिट्स ओवर इन द यूरोप एंड दैट रीजन. सो दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री, लेबर, आर्टिसन मेकिंग इंडस्ट्री, वेपन मेकिंग इंडस्ट्री, डिफेंस, ये सारी कुछ चीजें क्या हो गई, दे मेड इट कोलैप्स सो इंटेंशनली. एंड व्हाट देन लेटर based on their requirement of the their own modern industry, industrial revolution jo start hua 1750s and afterwards, you'll find fir unhone kya kiya, india ko as a raw material base banana start kiya, raw material base. To 1750 se to 1850 tak ki inki strategy to pretty clear thi, that this india or as a colony it should be a net consumer of their product. नेट कंज्यूमर, कि ये क्या करेगा, रॉ मटेरियल ब्रिटेन को सप्लाई करेगा, ब्रिटेन के जो पावर लूम्स है या हैंडलूम, जो भी मशीन मेड थिंग्स है, उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, जहां पे ये वैल्यू ऐड करेंगे, उसको प्रोसेसिंग करेंगे, और ये जो प्रोसेस प्रोडक्ट है इसका मार्केट बनेगा अगेन द इंडिया एंड दोस सिटीजंस. व्हाट हैपेंड इन आफ्टर 1850s और 80s के बाद ना, सी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी में कुछ चेंज आया, थैंक्स टू दी कुछ अमेरिकन सिविल वॉर, ये कॉटन ब्लूम, ये बहुत सारी चीजें, यू विल फाइंड लेटर ब्रिटिशर्स हैव शिफ्टेड देयर पॉलिसी दैट कि इंडिया को हम रॉ मटेरियल का सिर्फ इंपोर्ट नहीं करेंगे, अब ट्राई ये कर लेंगे कि इंडिया में रॉ मटेरियल जो बन रहा है वहां पर ही हम जाके प्रोसेसिंग कर ले, और फिर क्या कर ले, वहां से मटेरियल एक्सपोर्ट भी वहीं से कर ले. देखो पहले क्या हो रहा था, फर्स्ट प्रोडक्ट यूज्ड टू बी रॉ मटेरियल, इट यूज्ड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द यूरोप, और फिर क्या होगा, इस रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग, फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट फिर इंडिया में फिर से आके सेल होगा. अब इसमें देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, और जिससे प्रोडक्ट और भी महंगा हो रहा है. अब इन्होंने आफ्टर 100 इयर्स 1850s में फिर क्या रियलाइज किया, ये अमेरिकन सिविल वॉर भी था और बहुत सारे फैक्टर्स से, क्या करना है कि यूरोप से इन्वेस्टमेंट इंडिया में जाने देनी है, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी. हम क्या करेंगे, वी वोंट इन्वॉल्व रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वॉन थ्यूनन ने तो बोला है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैटर्स अ लॉट, दैट योर लैंड यूज पैटर्न इज डिपेंडेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट. तो इन्होंने फिर क्या किया, इंडिया में ही प्लांट्स एस्टैब्लिश किए. एप्पल, एप्पल क्या कर रहा है, एप्पल ये नहीं कर रहा है कि यूएस में प्रोड्यूस कर ले और फिर इंडिया में आके सेल कर ले, नहीं, इंडिया में ही प्रोड्यूस कर लो और इंडिया में ही सेल कर लो, वहां से जो प्रॉफिट बनेगा कीप इट विद योरसेल्फ, दैट इज व्हाट द थिंग, राइट. दिस दे लेटर डिसाइडेड कि हम इंडिया में प्लांट एस्टैब्लिश करेंगे, विल इन्वेस्ट इनटू इट, देन वी विल यूज रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया, उसी को वहीं पे प्रोसेस कर लेंगे और इमीडिएट मार्केट में सेल भी कर देंगे. अब इस ओवरऑल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गई हमारी, अब वो क्या करेंगे, हम एज ए प्रॉफिट कवर कर लेंगे. सो यू विल फाइंड द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया, सी इंडस्ट्री का जो हमारे पास, वैसे मॉडर्न जो इंडस्ट्री हमारी, इट स्टार्टेड टू टेक शेप मेनली से विद द इनिशिएशन ऑफ जूट इंडस्ट्री एंड कॉटन इंडस्ट्री. तो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और प्लांट वॉज स्टार्टेड ओवर इन द बॉम्बे, ओके, बॉम्बे, दैट बाय नानाजी कासव दावर, ठीक है. तो ये एक वन ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे ओवर इन द मुंबई इटसेल्फ, एंड विद हैविंग ए लॉट्स ऑफ फंड, तो फिर उन्होंने क्या किया, एक प्लांट स्टार्ट किया विद द गवर्नमेंट सपोर्ट इन 1854. लेटर व्हाट हैपेंड, पैरेलली ओवर इन 1854 रिश्रा कलकत्ता,
जहां पे जूट मिल वॉज एस्टैब्लिश, ठीक है, 1854 कॉटन टेक्सटाइल एस्टैब्लिश हुआ और 1855-1850 टाइम जूट इंडस्ट्री और प्लांट वॉज रिश्रा एट रिश्रा वॉज एस्टैब्लिश। अब देखो ये था बिगिनिंग ऑफ दिस मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। ब्रिटिशर्स को इससे भी कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखने लग गई, ठीक है, मतलब दोनों भी रीजन थे वैसे प्रमोट करने के, बट फिर भी। नेक्स्ट, फिर पेपर मिल वॉज एस्टैब्लिश और सक्सेसफुल पेपर मिल आई वुड से रादर 1870 में इट वॉज एस्टैब्लिश नियर कोलकाता बलायगंज। बलायगंज में 1870 में फर्स्ट पेपर मिल, एंड लेटर यू विल फाइंड फर्स्ट स्टील प्लांट, जो 1830s में स्टील प्लांट एक बनाया था बट वो हाईली अनसक्सेसफुल रहा, तो कुल्टी, ठीक है, दिस, हाँ, इट इज बेसिकली मॉडर्न स्टील प्लांट एस्टैब्लिश्ड वे बैक इन 1874, ठीक है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज है या प्लांट्स है या फैक्ट्रीज है जो इंडिया में अब एस्टैब्लिश हो रहे। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट एंश्योर्ड द प्रमोशन टू दिस इंडस्ट्री, क्योंकि उनको ये भी था ना कि इंडिया के जो अपोजिशन जो स्टार्ट हो रहा था 1857 में, जो हमको दिखा अल्टीमेटली, तो उसको भी सप्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं उनको दिखाना भी था कि डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रही है। सो दिस इज वन ऑफ द वे। व्हाट हैपेंड देन इन 1907, ए लैंडमार्क इनिशिएटिव्स और प्रमोशन वाज एक्चुअली टेकन बाय द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ऑन हिज ओन, जमशेदजी टाटा, जिन्होंने 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट का एस्टैब्लिशमेंट किया जमशेदपुर, जो अभी झारखंड में। Then, two world war later, ठीक है, 1907, फिर एक मूवमेंट आया 1910 तक इंडिया में से almost 120 cotton and jute mills बन गए, जो कभी 50 years पहले एक भी नहीं था। Now hardly after 50 years cotton and jute mills were highly promoted by 1910-1912। देखो अब आया वर्ल्ड वॉर वाला टाइम, तो वर्ल्ड वॉर ने क्या किया, इसको इम्पेटस किया, ठीक है, या इसको प्रमोट किया द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इन इंडिया द फेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और इवोल्यूशन इन इंडिया कैन बी स्टडीड इन दिस 4-5 डिफरेंट फेजेस, ठीक है, 5 डिफरेंट फेजेस है जिसको अभी हमने ऑलरेडी देखा तो है। पहला जो स्टेज था अबॉटी फेज, 1880-1854, यहां पे इंडस्ट्रीज बननी तो स्टार्ट हुई थी बट ऑल अटेम्प्ट्स समहाउ वर अनसक्सेसफुल, कि स्टील प्लांट बनाया वो भी फुल्ली सक्सेसफुल नहीं रहा, कॉटन मिल बनाई वो भी अनसक्सेसफुल रह गई, ठीक है, तो अबॉर्टी फेज। सेकेंड फेज में क्या हुआ, इंसिपिएंट फेज, ओवर हियर नाउ न्यू इंडस्ट्रीज वेर स्टार्टेड टू टेक शेप, कॉटन, जूट, पेपर मिल और स्टील प्लांट और दैट वे, एंड दिस actually this is what a very significant year over over in the industrial development in India when Tata steel plant was established 1907 Jamshedpur। So 1907 से 1955 हमारा ये premature phase था जिसमें क्या हुआ, दो world war भी आ गए। देखो world war का role क्या होता है, जब भी मतलब अभी एक article में मैं पढ़ रहा था कि Russia is not ready now to leave or to end रशिया यूक्रेन कंफ्लिक्ट, क्योंकि अब रशिया की 2 साल से वॉर चल रहा है। और वहां पे वॉर इज इक्वली ए इकोनॉमिक बूस्टर, अमेरिका सुपर पावर क्यों बना है, शायद अगर वर्ल्ड वॉर नहीं होते तो शायद अमेरिका उतना सुपर पावर नहीं बनता जितना वो आज है, बिकॉज वॉर ऑफर्स ए स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी फॉर से इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हाँ मे बी इन द वन डोमेन डिफेंस एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, बट ये क्या करेगा ना, एक बहुत ज्यादा फास्टर रेट से इसको प्रमोट करेगा। तो इट इज इवन कंसिडर दैट कि वन ऑफ द रीजन व्हाई अमेरिका इज अमेरिका, ये वर्ल्ड वॉर्स, ओके। तो इस टाइम में वर्ल्ड वॉर्स हुए, जैसे फिर क्या होता है, जैसे इंडिया में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में क्या हुआ, यू विल फाइंड इंडिया में केमिकल इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री और मॉडर्न मींस इंडस्ट्रीज जो थे वो प्रमोट हो गए ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ टाइम ओनली, द प्री मेच्योर स्टेज। इन द नेक्स्ट स्टेज फेज 4, 1955-1985, अब यहां पे हमने स्टार्ट किया था आर 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान, जब देखो इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया,
एंड इंडिया नाउ एज ऑल यूके ओके दैट वाज एक्चुअली लेफ्ट आउट आफ्टर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. अब वो पॉजिटिव था वो निगेटिव था दैट्स इट लाइक वॉट एवर दैट केस मे बी. सो इंडिया वॉज इन से वेरी कंफ्यूज स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दैट टाइम. पॉलिसी मेकर्स वेर मच कंफ्यूज अबाउट कि हम कंज्यूमर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें या बेसिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें. जैसे कंज्यूमर इंडस्ट्री मतलब क्या कि जिसमें आप देखोगे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि उस केस में फिर क्या करना है कि टॉय मेकिंग इंडस्ट्री है या क्लोथ मेकिंग इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना है या जो कंज्यूमर की डायरेक्ट डिमांड फुलफिल करे ऐसे इंडस्ट्री बनानी है या वी शुड गो विद द बेसिक एंड lots of investment requiring industry like for example iron and steel mining aluminium manganese copper jisme kya hoga na ki you will find maybe in the short run aapko investment bahut karna padega but these are rather a drivers in themselves ki ye kya karenge एक प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे और वो उस प्रोसेस से क्या होगा. देखो स्टील प्लांट बनेगा तो स्टील प्लांट के 100 वेंडर्स भी बनेंगे. जमशेदपुर जैसे वो था पहले वहां पे कोई नहीं था फॉरेस्ट था. आज जमशेदपुर इज सेपरेट टाउनशिप देयर नाउ तो अब सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया. तो क्या है 100 वेंडर्स मस्ट बी देयर. 100 वेंडर्स है तो वहां पे एम्प्लॉयज 1000 एम्प्लॉयज वर्क करेंगे. 1000 एम्प्लॉयज है तो उसके रिलेटेड स्कूल्स बनेंगे फिर एजुकेशन बनेगा एंड अल्टीमेटली यू विल फाइंड क्या होगा ग्रोथ विल रादर ट्रिकल डाउन. एंड दैट इज व्हाट द अप्रोच अडॉप्टेड इन द मैच्योर फेज एंड द सेकंड 5 ईयर प्लान वेयर वी डिसाइडेड कि वी शुड इन्वेस्ट ओवर इन द बेसिक इंडस्ट्रीज. के बेसिक इंडस्ट्रीज में हमको इन्वेस्ट करना है और बेसिक इंडस्ट्रीज में अगर इन्वेस्ट करेंगे तभी ये होगा कि इंडिया की ग्रोथ जो है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वे पे चलेगी. व्हाट हैपन आफ्टर 1885 टू प्रेजेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम मैच्योर फेज नाउ विद दी अगेन एलपीजी पॉलिसी liberalization privatization and globalization now after like 1991 you'll find the development and promotion to the modern industry has now been started right ki jisme fir humne kya kiya foreign fdi ko bhi allowed kiya hai. Then you will find defense products ka bhi humne production start kiya. Aaj to hum abhi next phase pe chal rahe atmanirbharta hai na where you'll find every production or that possible production say is supposed to be over in our own country or region. So ye dekho india ke evolution of industries ke phases hai theek hai samajh aa raha hai ye phases is pe kuch content likhna padega phases of industrial growth in india. कोमल क्लियर है फेजेस ऑफ कीप द हेडिंग फेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. फेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया बाकी ये वाला एक पॉइंट तो लेटर ऐड कर दोगे इतना ही करना है ठीक है. दिस वन इतनी स्लाइड ही ऐड करनी है आपको वो भी नया भी लिखो तो कोई इश्यू नहीं यहां से भी हो जाएगा वैसे. Phase one, abortive phase. In this phase, many attempts were made. In this phase, many attempts were made to initiate industrialization. To initiate industrialization but
फेल्ड सो मिजरेबली, फेल्ड सो मिजरेबली। लाइक 1880, 1818, 1818। टेक्सटाइल मिल एट कोलकाता, ये सारे फेल्योर के इंसिडेंसेस लिखेंगे अभी हम। टेक्सटाइल मिल एट कोलकाता 1827, आयरन स्टील प्लांट एट चेन्नई 27, आयरन स्टील प्लांट एट चेन्नई 1830, टेक्सटाइल मिल अहमदाबाद, आर फ्यू एग्जाम्पल्स, आर फ्यू एग्जाम्पल्स। प्राइवेट इंडस्ट्रीज वर नॉट एनकरेज्ड, दिस प्राइवेट इंडस्ट्रीज वर नॉट एनकरेज्ड। एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिशर्स पॉलिसी टू कीप कॉलोनाइज इंडिया, टू कीप कॉलोनाइज इंडिया ए रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, ए रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। फेज सेकेंड इंसिपिएंट फेज, इंसिपिएंट फेज 54 to 1907। This phase was the phase of early expansion. It marked the beginning of modern industrial phase in the country. The beginning of modern industrial phase in the country. Eighteen fifty four, cotton textile mill at Mumbai. किसी बुक में 1853 दिया होगा, किसी में 1854, 1855 जूट मिल एट रिश्रा कोलकाता, कोलकाता फर्स्ट पेपर मिल, फर्स्ट पेपर मिल एटीन सेवेंटी
फर्स्ट पेपर मिल 1870 बलियागंज, बलियागंज एटीन सेवेंटी वुलन टेक्सटाइल मिल्स, वुलन टेक्सटाइल मिल्स एट कानपुर बैंगलोर, एट कानपुर बैंगलोर। बाय द एंड ऑफ 1907, बाय द एंड ऑफ 1907 क्लोज टू 110 मिल्स वेर एस्टैब्लिश, मिल्स वेर एस्टैब्लिश ऑफ विच 30% आर इन दी मुंबई अलोन। मुंबई उस टाइम बॉम्बे था ये, तो ब्रैकेट में इसको लिखो कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया, कॉटनोपोलिस, सी कॉटन पॉलिस, POLIS, कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया। जूट मिल एंड पेपर मिल, जूट मिल एंड पेपर मिल वर मेनली फोकस्ड इन, वर मेनली फोकस्ड इन हुगली एंड बिहार रीजन, हुगली एंड बिहार रीजन। फेस थ्री प्रीमेच्योर, दिस वॉज द फेज। Started with, which started with a large iron and steel plant at Jamshedpur. It boosted the capitalist class in India, it boosted the capitalist class in India to invest in the industrial and manufacturing processing, rather than merely industrial and manufacturing processing, rather than merely a raw material export, a raw material export. Later, later. In 1919, in 1919, Tisco, Tisco, T capital, TISCO, Tisco was established at Hirapur and Kulti, KULTI,
AULTI है। भद्रावती स्टील प्लांट कर्नाटका। 1923 भद्रावती स्टील प्लांट कर्नाटका। नेक्स्ट लाइन, इंटर वॉर पीरियड वॉज अ मेजर बूस्ट टू, इंटर वॉर पीरियड फर्स्ट और सेकेंड वॉर के बीच में वॉज ए मेजर बूस्ट टू डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, फ्रॉम गुड्स, फ्रॉम इंडस्ट्रियल गुड्स फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस। गवर्नमेंट लेटर गेव प्रोटेक्शन टू, गवर्नमेंट लेटर गेव प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल, शुगर, मेटल्स एक्सेट्रा। पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, नेक्स्ट लाइन, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू the continuation of the momentum, the continuation of the momentum in aviation industry chemical industry arms and ammunition somehow remained in this phase as well, somehow remain in this phase as well. Bangalore aircraft industry was started. Bangalore aircraft industry was started. Engineering goods industries were flourished during this period. were flourished were flourished during after partition
आफ्टर पार्टीशन, एज मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ कॉटन एंड जूट प्रोडक्शन वेंट विद द पाकिस्तान, वेंट विद द पाकिस्तान, 40% कॉटन में लिख दो, 80% जूट में लिख दो. 40% कॉटन में चला, कॉटन का चला गया, 80% जूट का चला गया. वेंट विद द पाकिस्तान. इट एडवर्सली अफेक्टेड आर कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इट एडवर्सली अफेक्टेड आर कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री. On the eve of independence, next point, on the eve of independence, Indian industry was mainly dominated by consumer goods industries. Indian industries was mainly dominated by consumer goods industries. Phase 4, early mature phase, and second 5-year plan. The dilemma whether to prefer consumer goods industry or basic goods industry finally came to end in this phase. The second five-year plan, which is as well known as capital. The economic constitution of India. इसको industrial constitution भी बोल सकते हो, the way you find it suitable. The economic constitution of India prefers in a favor of heavy basic good industries. Prefers in a favor of basic heavy goods industries. ठीक है, बाकी कुछ कंटेंट रहेगा ना तो मैं इसको अभी आगे फॉरवर्ड कर देता हूं, आगे फॉरवर्ड कर उसमें डाल दूंगा मैं ग्रुप पे. ठीक है, तो वहां से इसको कंटिन्यू कर लेना. कितने फेज बचे वैसे? एक ही तो बचा है ना, नेक्स्ट वाला, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा. फाइन, चलो. तो this is all about for today, Komal, and all you guys watching recording. I hope basic cheez thi wo clear ho gayi hogi aapko. Next fir Monday pe hum na industrial location jo theory hamari Weber wali wo dekh lenge. To task for you will be looking into Weber's industrial location model. Dekho isko kya hai na, theory ka ek cheez mujhe samajh aayi hai. Isko 2 se 4 5 10 bar pad loge na tab wo theory bahut acche se samajh aayegi. अदरवाइज क्या है ना, एक बार पढ़ लोगे और लगोगे कि समझ आ जाएगी, तो इतना इजी तो न्यूटन का लॉ है नहीं है ना. तो दैट वे चलो, तो मिलते हैं. एंड टुमारो यू विल बी हैविंग अ टेस्ट. ठीक है,
on resources. Thank you, Komal, and thank you all you guys.